हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कन्नड़ा के उत्ताक्षरा के बारे में चर्चा करेंगे। सो बेसिकली जैसे कि हिंदी में सेमी कंसोनेंट्स होते हैं, इसी तरह उनको हम कन्नड़ा में उत्ताक्षरा कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हिंदी में हमारे कंसोनेंट्स होते हैं और उसका सेमी कंसोनेंट कैसे होगा, तो सबसे पहले लेट्स से का हम पहले लिखते हैं। अब इसका सेमी कंसोनेंट क्या होगा, इधर हम उसको लिखेंगे ये। तो इसी तरह कन्नड़ा में भी हमारे पास सेमी कंसोनेंट्स हैं और उनको हम उत्ताक्षरा कहते हैं। तो का को हिंदी में हम इसको साइड बाय साइड लिखते हैं और कन्नड़ा में हम इसको ऊपर नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहले का को हम लिखेंगे, जैसे कि पहले हमने पिछले लेसन में हमने सीखा है कि का कन्नड़ा में ऐसे लिखा जाता है। अब इसका उत्ताक्षरा मीन्स सेमी कंसोनेंट कैसे होगा, इसको हम नीचे ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ ये ऊपर का पोर्शन इसमें निकल गया है। तो कुछ ऐसे कंसोनेंट हैं कन्नड़ा में जिनमें थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनते हैं एंड बाकी सेम ही रहते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन। ओके, सो ये हो गया का, ये हिंदी का आ का हाफ कंसोनेंट आ सेमी कंसोनेंट और ये फुल, और इसको हम कन्नड़ा में इस तरह लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इज खा। तो लाइक खा इस तरह हिंदी में हम लिखते हैं हाफ ये। अब इसको कन्नड़ा में कैसे लिखेंगे, कन्नड़ा में पहले खा लिखिए आप, ऐसे खा बनाइए और इसके बाद इसी तरह का नीचे आप बनाइए खा। इसके बाद गा, तो ये हाफ हो गया, ये फुल हो गया और पहले आप फुल वाला बना लीजिए और इसके नीचे इसका हाफ ऐसे बनता है कन्नड़ा में, राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो कि है घा। आप बना लिया हमने, ये फुल बना लिया और पहले हमने इसका फुल बनाया, तो ये इसका ऐसे फुल बनता है कन्नड़ा में घा, और इसके नीचे हमने इसका हाफ वाला कर दिया, तो हाफ ये ऐसे बनेगा इसका हाफ। इसके बाद आते हैं हम अंगा। तो इसको हिंदी वाला पहले ऐसा हमने लिख लिया और इसका हाफ ये हो गया ऐसे। और इसका हम लिखेंगे, पहले इसका फुल बना लिया तो ऐसे, इसके बाद ऐसे और डार्क भी फुल बन गया, इसके बाद हमने इसका हाफ बनाया, तो ये बेसिकली सेम ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है चा। तो ये हाफ आ गया हमारा हिंदी का, ये फुल आ गया, तो कन्नड़ा का चा पहले हम यहाँ लिख लिए, ठीक, और इसी के नीचे इसका हाफ, तो इसका हाफ ऐसे बनता है ऐसे। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट छा। तो छा इसका हम हिंदी का लिखते हैं छा
और इधर हमने लिख लिया हाफ इसका सेमी कंसोनेंट। पहले हमने कन्नड़ का छा बना लिया ऐसे, करेक्ट। अब इसका हाफ यहाँ नीचे आएगा, तो आप इसमें देखिएगा सिमिलरिटी क्या है कि जैसे हम हिंदी में साइड बाय साइड लिखते हैं, राइट, कन्नड़ा में हम ऊपर नीचे लिखते हैं, फुल वाला ऊपर और जो हाफ वाला है नीचे लिखा जाएगा। छा के बाद आते हैं हम जा पे, जा पहले हम बनाएंगे कन्नड़ का जा और इसका हाफ, इसका हाफ एग्जैक्टली सेम होता है ऐसे। फिर इसके बाद आते हैं हम जा पे, हिंदी का हो गया। इसके बाद कन्नड़ का बनाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और ये हो गया फुल, और इसके नीचे हम इसका हाफ बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऊपर का पोर्शन निकल जाएगा, ठीक। इसके बाद हम आते हैं यहाँ, पिया बनाएंगे पहले इस तरह, और इसका हाफ एग्जैक्टली इसी तरह बनता है, तो इसके नीचे हम इसको बना लेंगे लाइक दिस। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट कंसोनेंट है टा, तो पहले टा हमने लिख लिया पहले कन्नड़ा का हम टा बनाएंगे, टा इसको बना लिया। इसके बाद ये इसका यहां से शुरू होता है, ये ऐसे रहता है, हाँ इसका ऐसे बनता है, ये इधर का ऊपर का पोर्शन निकल जाता है। इसके बाद आते हैं हम था पे, इसको हम कन्नड़ में इस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने ठा लिख लिया ऐसे, फिर इसका हाफ बिल्कुल सर्कल बना देंगे नीचे, ऊपर का लाइन नहीं रहेगा और बीच में डॉट कर देंगे, तो इसका हाफ हो गया। इसके बाद आते हैं हम डापे, तो हिंदी का हमने पहले लिख लिया, इसके बाद आते हैं कन्नड़ का, तो डा लिख लिया हमने ऐसे ऐसे ऐसे, और इसका हाफ कैसा बनेगा, इसका हाफ बेसिकली ऊपर का लाइन हट जाएगा ऐसे, तो ये इसका हाफ हो गया डा का। इसके बाद हम आते हैं ढापे, तो लास्ट टाइम हमने देखा होगा कि डा और ढा बेसिकली सिमिलर रहते हैं, ये हम पहले डा ही बना लेंगे ऐसे हम देखिए, और यहाँ नीचे लाइन लगा देंगे, तो ये ढा बन गया, राइट। अब इसी तरह इसका हाफ भी बनेगा नीचे, केवल ऊपर का लाइन निकल जाएगा, तो ऐसे किया ऐसे कर दिया और ये नीचे लाइन डाल दिया, तो ये इसका हाफ बन गया ढा का। इसके बाद रड़ा, गणेश वाला अड़ा, तो ये ऐसे आया हाफ हिंदी का, ये पूरा आया, और इसके बाद इसको हमने पहले कन्नड़ का बना लिया। ये टा का बेसिकली उल्टा होता है, देखिए आप ये जिस टा आपने यहाँ देखा, तो इसका उल्टा बनता है अड़ा, अपसाइड डाउन कर देना है,
एग्जैक्टली इसका हाफ भी ऐसे बनता है, तो नीचे कर दीजिए इसको, करेक्ट। फिर इसके बाद हम आते हैं ता पे। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि ता इसका कम्प्लीटली डिफरेंट, जो इसका हाफ बनता है और ताक्षरा जो ता का होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ये ता हो गया, जैसे हमने ता बना लिया पहले, ये ता हमने बना लिया, ये ता है कन्नड़ा का। बट इसका जो हाफ रहता है वो इस तरह नहीं बनेगा, ये ऐसे बनाया जाता है। सो ये ता हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं था पे। तो था पहले हम बनाते हैं ऐसे, हिंदी में ऐसे हम लिखते हैं, और इसका इक्विवेलेंट कन्नड़ा में सो था ऐसे बनेगा, लाइक हार्ट से अब बीच में डॉट और यहाँ पे लाइन। और इसका हाफ जब हम बनाएंगे तो ऊपर की लाइन हटा देंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा ऐसे, ये लाइन हटा देंगे बाकी सेम रहेगा। ये इसका हाफ बन गया था का, करेक्ट। अब आते हैं ता था दा, नेक्स्ट है दा। सो दा, दा। तो दा इनको हार्ट के शेप में बनता है कन्नड़ा में ऐसे, राइट। और इसका हाफ, तो हाफ बनाने पे वही सिमिलर फार्मूला जैसे कि हम अप्लाई करते हैं, ऊपर का हट जाएगा और नीचे का हार्ट आ जाएगा, तो ये हाफ दा हो गया। इसके बाद आते हैं धा पे। तो धा भी इसी तरह बनता है जैसे कि दा एंड नीचे एक लाइन आ जाती है। तो पहले हार्ट जैसे से बना लीजिए आप ऐसे, नीचे एक लाइन, ये आपका बन गया धा बन गया। और इसका हाफ बनाएंगे तो वही सिमिलर फार्मूला, आप इसको ऊपर का लाइन पर हटा दीजिए और ये बन गया आपका हाफ धा। इसके बाद हम आते हैं धा के बाद ना। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ना ना थोड़ा डिफरेंट बनेगा। हिंदी का हमने बना लिया और कन्नड़ा का हम पहले ना बना लेंगे, तो कन्नड़ा का ना ऐसे बनता है, ये ऐसे, राइट। और अब बट इसका हाफ ऐसे नहीं बनेगा, इसका हाफ बेसिकली बनता है ऐसे, ये ऐसे, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, करेक्ट। अब इसके बाद ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे ना के बाद आता है पा। तो पहले हमने हिंदी का लिख लिया, राइट। अब पहले आप कन्नड़ का पा बनाइए, कन्नड़ का पा ऐसे बनता है। अब इसका हाफ बनाइए, तो हाफ में बेसिकली कुछ नहीं, हमको ऊपर का हटा देना है, डॉट भी हटा देना, ये ऐसे पा बनता है। इसके बाद आते हैं हम फा पे। तो पहले हमने फा बना लिया, तो पा और फा बेसिकली सेम है, आप देखिए आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी, ये फा बन गया ओके। और इसको जब हम हाफ इसका बनाएंगे तो ऊपर का हट जाएगा, जैसे कि हमने पा में किया था, करेक्ट, और डॉट हट जाएगा, ये फा बन गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं बा पे। बा, तो कन्नड़ में जब हम बा लिखते हैं तो बेसिकली इसका हाफ भी एकदम सेम ही होता है, तो सेमी कंसोनेंट इसका होता है। तो पहले हमने बा लिख लिया और इसके नीचे हमने सेम बना दिया, ये एग्जैक्टली सेम होता है, नो डिफरेंस एट ऑल, राइट। तो बा हो गया। इसके बाद हम आते हैं भा पे। तो हमने इसका भा लिख लिया,
बा और भा बेसिकली सिमिलर होते हैं, यहाँ थोड़ा ऐसे आएगा और यहाँ लाइन आ जाएगी। ये बा और भा आप देखिए, बा बना लिया तो भा भी बन जाएगा, और भा भी इसी तरह एग्जैक्टली सेम होता है। इसके नीचे आप ऐसी कॉपी कर लीजिए, ऐसे ये भा हो गया, राइट। अब आते हैं मा, तो मा थोड़ा डिफरेंट बनता है, जैसे कि हमने देखा था ना यहाँ पे डिफरेंट एकदम बनाता, राइट, इस तरह माँ भी डिफरेंट बनता है। तो पहले हम माँ बनाएंगे, तो माँ इसका बनता है ऐसे 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 और यहाँ साइड से ऐसे, ये माँ बन गया, ठीक। अब इसका हाफ कैसे बनेगा, इस ये बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, ये ऐसे लिया और ये ऐसे किया, ये हाफ है इसका, माँ का हाफ। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे टिक मार्क ला दे रहा हूँ, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है या, वो भी बिल्कुल अलग ही बनेगा, सेम नहीं रहता है। या बना लिया हमने हिंदी का पढ़े लिख लिया इधर, ठीक है, और इसके बाद हमने या, तो ऐसे बनाया पहले हमने, ये देखिए बन गया या, और इसका हाफ बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, वो ऐसे बनता है, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके ऐसे, ये इसका या बन गया, ये भी डिफरेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। या के बाद फिर आते हैं रापे, ऐसे हिंदी का हाफ वाला ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो रा इस तरह बनता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कन्नड़ में, और ये भी डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट बनता है, इसका हाफ जो होगा उत्ताक्षरा जो होगा ऐसे बनेगा। इसको भी टिक की दे रहा हूँ, ये ना वाला भी मैंने टिक की दे रहा हूँ, ताकि आप याद रखिएगा कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। रा के बाद फिर हम आते हैं ला पे, ला भी डिफरेंट ही बनेगा, देखिए कैसे बनाते हैं ला, देखिए पहले हम बना लेंगे ये ऐसे, बहुत आसान है ला बनाना, ठीक है। और इसके बाद इसका हाफ ऐसे बनेगा, इसकी ऐसे यहाँ स्टार्ट हुई यहाँ तक बनेगा, ये भी डिफरेंट है, ये ला का उत्ताक्षरा हो गया, करेक्ट। अब आते हैं वा पे, वा वा, तो वा एक्चुअली सेम ही बनता है, तो पहले हम वा बना लेंगे, ये ऐसे बनता है वा पूरा वाला, और इसके नीचे इसी तरह का बना दीजिए ऐसे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेटर सा, सा से सर्वत हिंदी में हम बोलते हैं वो वाला सा, ये हो गया, और इसको कन्नड़ में हम ऐसे बनाते हैं, ये भी सेम ही बनेगा, जैसे कि इसका फुल बनता है, ये ऐसे हम इसका फुल बनाते हैं, राइट। तो इसी के नीचे सेम बनाएंगे, ऊपर का लाइन में हटा देंगे ऐसे, करेक्ट। ओके, इसके बाद हम आते हैं सा के बाद, नेक्स्ट सा जो होता है षटकोण वाला सा, जो कि हम हिंदी में ऐसे बनाते हैं, राइट। तो बेसिकली ये भी सिमिलर ही बनता है, थोड़ा सा रहता है, ये पा जैसे रहता है, आप ध्यान दीजिए, देखिए पा जैसे रहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पा, देखिए आप कहाँ लिखा हो, ये पा, ये थोड़ा सा यहाँ मैंने ज्यादा कर लिया, ये पाज से बना लीजिए और ये यहाँ लाइन डाल लीजिए, ये आपका षटकोण वाला सा ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसका जो हाफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे जाइए और ये ऐसा उल्टा भी नीचे आ जाइए, ये इसका षटकोण वाले सा का उत्ताक्षरा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सा, जो कि हिंदी में सड़क वाला सा है, तो इसको लिया हमने सा सा, ठीक है।
और ये जो है ये भी सिमिलर ही बनता है। तो ये हम कन्नड़ा में कैसे बनाते हैं, ऐसे किया, ऐसे ऊपर लाइन डाला, यहाँ डॉट डाला, ये बन गया सा। और इसका जो उत्ताक्षरा है, सेमी कंसोनेंट है, ये बहुत ईजी, नीचे का आप ले लीजिए बस, ऐसे डन, बहुत ईजी है। तो ये सा का बन गया। फिर इसके बाद आते हैं हा, हा से हल, इसको हम कन्नड़ा में ऐसे बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ऐसे ले गए ये और ये आ गया, और ये हमने ऊपर लाइन डाल दिया, करेक्ट। और इसका जो उत्ताक्षरा बनेगा ये भी बहुत ईजी है, यहाँ से दो शून्य को जोड़ दीजिए आप, तो ये इसका उत्ताक्षरा हो गया आप। और इसके बाद हम आते हैं जो लास्ट, जो कि मैंने बताया था कि बहुत कन्नड़ा में यूज होता है ये वाला, ये जो ऐसे बनता है, इसको ला करके पढ़ते हैं, जब आगे मैं पढ़ाऊँगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा। हिंदी में बहुत कम या ना के बराबर यूज होता है, लेकिन कन्नड़ा में दिस इज मोस्ट यूज्ड लेटर एक्चुअली कंसोनेंट। तो ये इसका हाफ भी एग्जैक्टली सेम ही बनेगा, ऐसे नीचे डाल दीजिए, ऐसे ऐसे बस डन। सो ये हैं कन्नड़ा के उत्ताक्षरा सेमी कंसोनेंट्स। अभी एक बार हम रिवाइज करेंगे, ओके। तो ये हमने सारे कन्नड़ा के उत्ताक्षर सीख लिए हैं। अभी हम क्लास अपनी खत्म करने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं का से। तो देखिए ये का, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हिंदी में हम साइड बाय साइड लिखते हैं, राइट, और कन्नड़ा में हम ऊपर नीचे लिखते हैं। आप चाहें तो एग्जैक्टली नीचे भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा लेफ्ट में स्पेस देके थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये का है, इसके नीचे इसका का भी हो गया। खा, खा देखिए ये भी सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, एग्जैक्टली अंतर का एग्जैक्टली सेम ही है खा। देखिए गा में हमने क्या किया, गा में हमने नीचे का जो पोर्शन है वही लेते हैं, ऊपर का हम पोर्शन हटा देते हैं, ठीक है, कितना अंतर होता है। खा में कोई अंतर नहीं होता, का में भी ऊपर की लाइन हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप घा में देखिए, तो इसमें इसमें भी हमने क्या किया, लाइन हट गया, डॉट हट गया घा में। यहाँ ये एग्जैक्टली सेम होता है, तो जो एग्जैक्टली सेम होता है मैं उनको थोड़ा मार्क कर देता हूँ, लाइक ऐसे लगा देता हूँ स्टार करके, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी कि ये एग्जैक्टली सेम होते हैं। और मेरी मैं डबल मार्क डाल देता हूँ, ये वाला डबल मार्क, तो इससे रहेगा कि ये एग्जैक्टली सेम है, ये खा एग्जैक्टली सेम है, राइट। इसके बाद ये अंगा भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब आइए आप नेक्स्ट, ठीक है, चा देखिए, चा में क्या क्या है डिफरेंस, हमने ये ऊपर का लाइन हटा दिया, करेक्ट, और बाकी सेम ही है ये, राइट। इसके बाद छा में देखिए, छा भी मोर आर लेस सेम, ऊपर का हमने लाइन हटा दिया, ठीक है। इसके बाद आप जा में आइए, तो जा आप देखेंगे बिल्कुल सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। सो इसमें मैं डबल मार्क्स डाल देता हूँ ताकि आपको याद रखे ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनता है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम झा में, तो झा में देखिए क्या डिफरेंस, यहाँ भी मैंने लाइन ऊपर की हट गई, ठीक है, और बाकी का सेम ही है। इसके बाद इयां, इयां आप देखिए ध्यान से, ये भी एग्जैक्टली सेम है, नो डिफरेंस एट ऑल। सो यहाँ भी मैं डबल टिक मार्क लगा देता हूँ, ठीक। तो इस रो में, ओके, इस कॉलम में एक्चुअली बेसिकली 1, 2, 3, 4 हो गए जो कि सेम है। नेक्स्ट आते हैं हम टापे, तो टापे देखिए डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, ये जो पोर्शन है इसका, ये ऐसे जैसे घुमाते हैं ये हट गया है,
बाकी सेम है, ठीक है, याद रखिएगा। था में क्या है, था में भी ये नीचे का पोर्शन मैंने ले लिया पूरा, जो शून्य जैसे है बीच का डॉट ले लिया, ऊपर का लाइन हट गया है, ठीक है। तो ये इस तरह आप याद रख सकते हैं। ज्यादातर कंसोनेंट्स में, कन्नड़ा कंसोनेंट्स में आप देखेंगे जब वो अक्षर बनाते हैं तो ऊपर का लाइन हट जाता है और बाकी का पोर्शन ले लेते हैं तो उसका हाफ बन जाता है, ठीक है। ये एक मतलब फार्मूला कह सकते हैं अपने लिए, मतलब कि इस तरह हम याद रख सकते हैं। बट कुछ हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट बनते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि उस पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। और इसके बाद आते हैं डा में। देखिए डा में भी वही चीज हुई है, ये नीचे का पोर्शन हमने पूरा उठा के कट करके रख दिया, ऊपर का लाइन हटा दिया, ठीक है। इसके बाद ढा में देखिए, ढा में भी वही सेम हमने किया, ये नीचे का पोर्शन हमने उठा के रख दिया, ऊपर का लाइन हट गया, ठीक है। इसके बाद अड़ा, गणेश वाला अड़ा जो है, ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे मैं डबल टिक मार्क डालता हूँ ताकि आपको याद रहे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसा इसका फुल बनता है कंसोनेंट, उसे वैसे ही हाफ बनता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या है, ता। ता में देखिए, ध्यान रखिए, ता कंप्लीटली डिफरेंट है। ये हमारी इसको आप याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ टिक सिंगल सिंगल टिक मार्क डाले हैं, ये यहाँ मैं डाल देता हूँ, ये आपका बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, ठीक है, सिंगल टिक मार्क वाला, ठीक है। इसके बाद था में, था देखिए, था में भी वही जो मैंने बताया था, जो बेसिक फार्मूला, ऊपर का लाइन हट जाएगा, नीचे का पोर्शन निकाल के रख दीजिए तो उसका हाफ बन गया। दा में आइए, सेम फार्मूला, ऊपर की लाइन हटाइए, नीचे को उठा के रख दीजिए, बन गया उसका हाफ। धा में भी वही सेम चीज, नीचे का पोर्शन रख दीजिए, ऊपर की लाइन हटा दीजिए। और लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बताया था ना, था, दा और धार, ये बेसिकली ये तीन एक सिमिलर टाइप के होते हैं, आप ये चीज भी याद रखिएगा जी। यहाँ पे देखिए, अगर आप दा बनाना सीख लिए तो था और धा आराम से याद रख सकते हैं। क्यों, ये सोचिए कि हार्ट शेप में बनता है दा, राइट, और इसमें जब आपको धा बनाना है आगे नेक्स्ट वाला कंसोनेंट, नीचे लाइन डाल दीजिए, और उसके पहले वाला आपको बनाना है कंसोनेंट तो लाइन डाल दीजिए, बीच में डॉट डाल दीजिए। तो ये तीनों मिलते जुलते हैं, इनको याद रखने का यही तरीका है। दा को याद कर लीजिए और इसके बेस पे आप धा और था आराम से याद रख सकते हैं। धा बनाना है तो लाइन डालना है, और था बनाना है तो लाइन भी डालना है और साथ साथ डॉट भी लगाना है बीच में, ठीक। इसके बाद ना देखिए आपका, तो ना में क्या है, ना भी डिफरेंटली, कम्प्लीटली डिफरेंट बनेगा। ये देखिए ऐसे बनेगा, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। इसे मैंने सिंगल टिक मार्क डाला है, सिंगल टिक मार्क वाले कम्प्लीटली डिफरेंट, जो सिंगल मार्क टिक मार्क वाले कम्प्लीटली डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं पा पे। तो पा पे देखिए क्या बोलते हैं, हमने वही सेम फार्मूला, लाइन हट गया, डॉट हट गया, पा बन गया, ठीक। इसके बाद फा में, फा में भी वही चीज हुई है, देखिए ये हट गया ऊपर का लाइन और डॉट, फा बन गया, ठीक है। और इसके बाद है बा। तो बा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो यहाँ डबल टिक मार्क डालूंगा, डबल टिक मार्क मींस एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक। तो ये आपका बा बिल्कुल सेम है। इसके बाद आते हैं भा पे। तो भा भी एकदम सेम, आप देखिए ध्यान दीजिए, एकदम सेम है, उसका उत्ताक्षरा भी सेम है और वो ओरिजिनल कंसोनेंट भी सेम है। तो इसमें मैंने डबल टिक मार्क डाल दिया, ठीक। इसके बाद क्या है, माँ। माँ में अगर ध्यान से देखिए एकदम अलग बनता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि मैंने सिंगल टिक डाल के रखा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं या पे। या भी कम्प्लीटली डिफरेंट बनता है, तो इसमें सिंगल टिक मार्क, ठीक। इसके बाद राम देखिए, राम में ध्यान दीजिए, ये भी देखो ऐसे भी नीचे एक डाल देते हैं, छोटा सा सर्कल टाइप का ऐसे,
तो ये भी डिफरेंट बनता है, इसमें भी मैंने टिक मार्क कर दिया है, राइट। ला देखिए, ला भी अलग बनता है एकदम, ठीक, इसमें भी टिक मार्क मैंने डाल दिया है। अब आते हैं वा पे, ठीक है, तो वा पे देखिए, वा एक सेम बनता है एकदम, एग्जैक्टली सेम वा ऊपर का नीचे, तो इसमें हम डबल टिक मार्क मार देंगे, ठीक। तो ये सेम ही है। इसके बाद सा पे आते हैं, तो सा में भी वही सेम फार्मूला है, जैसा रहता है कंसोनेंट वैसे ही उसका अक्षरा बनता है, केवल ऊपर का लाइन चला जाता है, करेक्ट। अब आते हैं ये षटकोण वाले सा पे, तो इसमें देखिए आप, ये एग्जैक्टली सेम है, राइट, नहीं सॉरी, ये ऊपर का लाइन हमने हटा दिया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, तो ये इसका वृत्ताक्षरा बन गया। सा में भी हमने ऐसे किया है, ठीक है, ऊपर का लाइन हट गया, डॉट हट गया, करेक्ट, तो ये इसका हाफ बन गया। हा में देखिए क्या हुआ, हा में ये हमने ऊपर का लाइन हटा दिया, तो इसका वृत्ताक्षरा बन गया। और जो ये मैंने बताया था, इसमें ये इस इधर का पोर्शन थोड़ा सा हटा देंगे, तो ये इसका वृत्ताक्षरा बन जाएगा। तो होपफुली कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा वृत्ताक्षरा के बारे में। और अगर ये आपने सीख लिया, तो जैसे हिंदी में हम सेमी कंसोनेंट्स लिखते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल कभी कभी लिखते हैं मक्खी या मग्घा, राइट, और या और भी कुछ वर्ड जैसे दद्दू, तो इसी तरह जैसे कन्नड़ा में हमको लिखना है, तो ये सारे उत्ताक्षरा काम आएंगे। तो इसके बाद अगले लेसन में हम पढ़ेंगे गुणिताक्षर। सो गुणिताक्षर इज नथिंग बट एक्चुअली बारह खड़ी। तो जैसे कि हिंदी में हम हमारे होते हैं कि का, फिर का, की, कू, राइट, तो सिमिलरली कन्नड़ा में भी बारह खड़ी होती है। तो जो कन्नड़ा की बारह खड़ी होती है उसको हम गुणिताक्षर बोलते हैं। तो अगले लेसन में हम गुणिताक्षर के, कन्नड़ा गुणिताक्षर के बारे में चर्चा करेंगे। सो होप यू लाइक्ड दिस सेशन, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, एंड प्लीज लाइक, comment and subscribe to my YouTube channel, and have a great day. Thank you very much. Bye-bye.